नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बालाघाट से आधी बड़ी खबर के साथ, जहां डाक मत पेटियां खोले जाने के मामले पर एक्शन लिया गया है। चुनाव आयोग ने नोडल अधिकारी को निलंबित कर दिया। चुनाव आयोग से कांग्रेस ने शिकायत की थी। इस पूरे मामले को लेकर बालाघाट में कर्मचारियों द्वारा मत पेटी खोली गई थी। ये तस्वीर देखिए, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई है। पूर्व मंत्री अरुण यादव ने वीडियो शेयर किया था, लेकिन इस पूरे मामले में नोडल अधिकारी निलंबित कर दिए गए। यानी साफ तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से यहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है, क्योंकि लगातार ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया है। डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के इशारे पर इस तरह का षड्यंत्र हो रहा है, और वो गिरीश कुमार मिश्रा वहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी हैं गौरीशंकर बिसेन, उनके बहुत नज़दीकी हैं, उनके साथ उनकी मिली भगत है। इन सब बातों को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी, कमलनाथ जी ने कल संदेह व्यक्त किया था कि वोटों के माध्यम है और खासकर ये बैलेट पेपर जो हैं, पोस्टल वोट हैं, इनमें घपले होने की संभावना है, उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। इसको लेकर अपने वीडियो सहित आज यहाँ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन जी को अपना ज्ञापन दिया है, भेंट की है। हमारे साथ आदरणीय राजीव सिंह जी, अमित सिंह, सभी लोग आए हैं और कहा है कि कलेक्टर के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की जाए, तत्काल उसको सस्पेंड किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग फिर कल इस पर दिल्ली में ज्ञापन जाकर देंगे। आज ये स्ट्रांग रूम खोला गया था, राजनीतिक दल के अभ्यर्थी भी, प्रतिनिधि भी यहाँ पर रहे हैं। कुछ लोगों को शायद इसमें कन्फ्यूजन हो गया कि साहब वहाँ पोस्टल बैलेट को खोल के बगरा दिया गया और ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे फैसिलिटेशन सेंटर में अन्य 5 विधानसभाओं के भी मत डले हैं, उनको शॉर्टिंग करके और 50-50 के बंडल बनाकर उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं। मेरे सहयोगी राकेश जी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, यहाँ पर बालाघाट में डाक मत पेटियां खोले जाने के मामले पर बड़ा एक्शन लिया गया, लेकिन क्या कुछ मामला है, ये वायरल वीडियो की सच्चाई कितनी? देखिए अलीशा, देखिए तो पूरे बालाघाट के मामले को लेकर बवाल काटा हुआ है, और कांग्रेस का अपना तर्क है, निर्वाचन अधिकारी है, जनरल निर्वाचन अधिकारी, उनका अपना तर्क है, लेकिन इस बीच निर्वाचन आयोग का एक्शन हुआ है और जो डाक मत पत्रों के नोडल अधिकारी थे हिम्मत सिंह, उनको निलंबित कर दिया गया है। अब कांग्रेस का ये आरोप है कि जो डाक मत पत्र है उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, लेकिन जो जिला निर्वाचन अधिकारी बालाघाट के हैं, कलेक्टर हैं, उन्होंने बयान जारी किया है। उनका कहा है कि ये जो काम हो रहा है, ये शॉर्टिंग का काम चल रहा है, जिसमें 50-50 के अलग अलग बंडल बनाए जा रहे हैं, और बाकायदा इस बात की जो सूचना प्रकाशित की थी। दरअसल हम प्रक्रिया की बात करें तो कोई भी निर्वाचन संबंधी कार्य को लेकर, जब खासतौर पर जब मतपेटी की बात आती है, डाक मत पत्र की बात आती है, तो जो राजनीतिक दल हैं उनके जो प्रतिनिधि, उनको सूचना दी जाती है। कलेक्टर ने वो लेटर शेयर किया है कि इसकी सूचना दी गई थी, और जो जिस पर उनके प्रतिनिधियों के साइन भी हैं, और उन्होंने इसे रूटीन प्रोसेस बताया है। जो SDM वहां के, वो कह रहे हैं कि ये रूटीन प्रोसेस है, इसकी राजनीतिक दल जो प्रतिनिधि, उनको सूचना दी गई थी, उनकी जानकारी में लेने के बाद ये शॉर्टिंग का काम किया जा रहा था। लेकिन कांग्रेस ने जो है राजधानी भोपाल में इस पर आपत्ति ली है, और कांग्रेस का ये आरोप है कि इसकी जानकारी नहीं दी गई थी, बल्कि चोरी छुपे डाक मत पत्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा था, और इस बात की निर्वाचन आयोग में शिकायत की गई थी। फिलहाल निर्वाचन आयोग की ओर से जो एक्शन लिया गया है, वो डाक मत पत्र के जो इंचार्ज थे हिम्मत सिंह, उनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं अपनी बात पर कायम है, उन्होंने कहा है और बकायदा ट्वीट भी कर रहे हैं, वो इसकी वो ट्विटर पर वो लेटर भी जारी कर रहे हैं, जो कि निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किया गया है, और वो लेटर भी जारी कर रहे हैं जो, जिस पर कि ये दावा किया जा रहा है कि इस पर जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर है, उस पर साइन है। फिलहाल दोनों बात पर अपने अडिग हैं, कांग्रेस के अपने आरोप हैं, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी सफाई पेश कर रहे हैं कि इस संबंध में खिलवाड़ कुछ नहीं हो रहा, बल्कि ये रूटीन प्रोसेस है, और 50-50 जो डाक मत पर उनके अलग अलग बंडल बनाए जा रहे थे, ताकि जब मतगणना हो तो आसानी रहे। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लगातार